स्वागत है आप सभी का। एक बड़ी खबर आपको दे दें ईडब्ल्यूएस कोटे से जुड़ी हुई, जहां ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिकता पर फैसला आने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण रहेगा या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा। 7 दिनों तक मैराथन बैठक चली है, सुनवाई चली है, जहां जजेस की संविधान की पीठ बैठी, उन्होंने इस पर सुनवाई की और अब इस पर फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। ईडब्ल्यूएस की संवैधानिकता पर फैसला आने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण रहेगा या नहीं, इस पर फैसला हो जाएगा। बता दें कि पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उम्मीद है कि इस पर फैसला आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिकता पर आज फैसला आएगा। इस वक्त आपको जानकारी दे दें कि जहां सरकारी नौकरियों में प्रवेश और नौकरी पाने के लिए जो कट ऑफ है, उसमें 10% ईडब्ल्यूएस को मिले, ये प्रावधान किया गया था सरकार की तरफ से। इसे चैलेंज किया गया, अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, इस पर सुनवाई हुई, 7 दिनों तक लगातार सुनवाई की गई थी यहां संविधान पीठ की तरफ से, और अब इसकी संवैधानिकता पर यह फैसला आने वाला है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आरोप ये लगाया गया था ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर कि पीछे के दरवाजे से यहां आरक्षण को खत्म करने की ये कोशिश है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर तबका है उन्हें 10% का आरक्षण इसके तहत दिया गया था, लेकिन इसके खिलाफ आवाज ये उठाई गई थी कि ये सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए आरक्षण दिया गया है, ऐसे में ईडब्ल्यूएस कोटा सही नहीं है। अब तक क्या हुआ है इस मामले में, ये भी जान लीजिए। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण पर संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। 2019 में मोदी सरकार संविधान में 103वां संशोधन लेकर आई थी, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का जो आरक्षण है उसका प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं इसके खिलाफ दर्ज हुई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब इस मामले में संभावित है कि जल्द ही फैसला आ जाएगा, जिसका इंतजार किया जा रहा है। जो लगातार याचिकाएं जा रही थी उन्हें एक साथ सुना गया और इस मामले में अब इसकी संवैधानिकता क्या बनी रहेगी, क्या ये संवैधानिकता के अनुरूप फैसला है, इसे सुनवाई में जजेस के द्वारा इसको परखा गया है और इसके बाद क्या फैसला यहां जजेस का होगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, जहां कई याचिकाएं आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए दिए गए 10% के आरक्षण के खिलाफ दर्ज की गई थी, डाली गई थी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में। यहां जजेस के बेंच ने इस याचिका को सुना और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। 5 में से 2 जजेस जो ईडब्ल्यूएस कोटे हैं उनको लेकर जो उनका पक्ष है वो अलग अलग रहा है। आरक्षण के लिए संविधान संशोधन सही, ये जस्टिस बेला का पक्ष रहा था, तो अलग अलग जजेस के जो पक्ष हैं वो भी आपको बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिकता पर फैसला आने वाला है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। 10% आरक्षण रहेगा या नहीं, इसका फैसला हो जाएगा। 5 में से 2 जजेस हैं जो कि इसके पक्ष में फैसला दे चुके हैं। जस्टिस बेला भी ईडब्ल्यूएस के पक्ष में हैं। इनके अलावा आरक्षण के लिए संविधान संशोधन सही, ये जस्टिस बेला का पक्ष रहा है। जहां पक्ष है वो भी बटा हुआ नजर आया है। 5 जजेस की ये बेंच रही थी, जिसमें जस्टिस यूयू ललित का नाम भी शामिल है, उन्होंने भी इस मामले में सुनवाई की है। अब जस्टिस अपना फैसला पढ़ रहे हैं और इसके बाद जो फैसला है वो सबके सामने होगा, लेकिन सवाल यही बना है कि क्या ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% आरक्षण दिया गया था, क्या वो बरकरार रहेगा या नहीं। मोदी सरकार में फैसला हुआ था 10% आरक्षण 103वें संशोधन के बाद लाया गया था। 2019 में मोदी सरकार ने ये 103वां संशोधन किया था, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से जो पिछड़े सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें 10% का आरक्षण दिया गया और इसे चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया। इस बाबत 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। इस पर 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक लगातार मैराथन सुनवाई हुई है। इस पर सभी के पक्ष सुने गए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को जो अपना फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया था और अब यहां फैसला पढ़ा जा रहा है, वो भी आपको बता रहे हैं। किसका क्या पक्ष है वो भी आप जान रहे हैं और कुछ ही देर बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाला 10% का आरक्षण बरकरार रहेगा या नहीं। 5 में से 3 जजेस हैं जो कि अपना फैसला इस पर दे चुके हैं। अब जस्टिस बी पार्टी वाला अपना फैसला पढ़ रहे हैं
ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, ये भी इस वक्त जानकारी आपको दे रहे हैं। अब जस्टिस बी पार्डी वाला अपना फैसला पढ़ रहे हैं, इस पर जो पक्ष है वो भी बटा हुआ नजर आ रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, ये जानकारी, जहां अब जस्टिस बी पार्डी वाला अपना फैसला पढ़ रहे हैं। आरक्षण को लेकर भी आपको जानकारी दे रहे हैं। कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, ये कानून कहता है, जहां इसमें परिवर्तन किया गया। अब देश में 49.5% आरक्षण है, ओबीसी को 27% आरक्षण है, अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 15% आरक्षण उनके पास है, अनुसूचित जनजातियों को 7.5 यानी कि 7.5% जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था है। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, पहले बताएं कि अभी क्या चल रहा है कोर्ट में। अविनाश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए उनका सीधा रुख करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर अभी कितना और इंतजार करना होगा, कब तक इस पर फैसला साफ हो जाएगा। जहां आज सभी को इंतजार मात्र इस बात का है कि क्या ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है, जो आरक्षण है, वो बरकरार रहेगा या नहीं। और अविनाश हमारे संवाददाता फिर से जुड़े हैं। अविनाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, बताएं क्या अपडेट है इस पर। जी देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक बेंच है वो इस पर फैसला सुनाई है। इसमें अगर बात करें तो चीफ जस्टिस यू ललित रहे हैं, इसके अलावा बात करें तो जस्टिस बेला त्रिवेदी रही हैं और जस्टिस जेपी पर्दीवाला रहे हैं, और जस्टिस अगर बात करें तो रविंद्र एस भट्ट भी रहे हैं। तो अगर बात करें तो इसमें से 4 जजों ने एक रूप से सही माना है कि 10% जो आरक्षण मिल रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वो पूरी तरीके से सही है, संविधान में ये समानता के लिए पूरी तरीके से कहता है। वहीं अगर बात करें तो जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने जरूर इसका विरोध किया है, लेकिन संविधान पीठ का फैसला जिस तरीके से 4-1 से रहा है, तो अब जो ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण मिल रहा था वो बदस्तूर उसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कुछ सालों पहले निर्णय लिया था कि जो गरीब स्वर्ण है उनको अगर बात करें तो 10% आरक्षण दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आधार पे, और इसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने ये पूरा फैसला सुना था और आज अपना फैसला सुनाया, जिसमें 4-1 से ये फैसला दे दिया है कि पूरी तरीके से संवैधानिक तौर पे सही है और ये अब लगातार उसी तरीके से जारी रहेगा जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ऐलान किया था 10% आरक्षण देने का। ठीक है, बिल्कुल। और कितनी बड़ी इसे जीत के रूप में जो भाजपा की सरकार है केंद्र में उसे देखा जाए, क्योंकि ये जो फैसला 2019 में लिया गया था इस पर कई आपत्तियां जाहिर की गई, कहा गया था कि राजनीतिक तौर पर ये बड़ा फैसला लिया गया है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये उन लोगों का कहना था जिन्होंने इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी कोर्ट में। तो ऐसे में कैसे इस फैसले को देखा जाए? बिल्कुल, अगर बात करें जब 2019 में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था तो 103वां संवैधानिक संशोधन किया था, जिसमें अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आधार पे 10% गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने का ऐलान किया था केंद्र की मोदी सरकार ने। इसके बाद अगर बात करें तो केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में लंबी तकरीरें चली, लंबी दलीलें दी गई थी। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो जाहिर तौर पर पता है केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगती है, जिसमें केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण देने का काम किया था, क्योंकि कई सारे लोगों ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का ही पुराना आदेश था जिसमें 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब तमाम सारी बातों को सुना और उसके बाद जिस तरीके केंद्र सरकार ने भी अपनी दलीलें वहां पर रखी, ये 10% आरक्षण गरीब और कमजोर तबके के जोर शोर तबके के लोग हैं उनके लिए है, और उसके बाद इस तरीके से संविधान की पूरी विशेषज्ञ की टीम केंद्र सरकार की अपना जवाब दाखिल की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरीके से वैध माना है और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच थी उनमें से 4 जजों ने इसको पूरी तरीके से ठीक माना है और वैध करार दिया है। तो जाहिर तौर से बात है कि अब केंद्र सरकार का फैसला लागू रहेगा और 10% आरक्षण जो स्वर्णों को मिलता रहा है गरीब तबके के वो लगातार अब जारी रहेगा। लेकिन अविनाश, जो इसके खिलाफ जो तर्क दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि अगर सभी को आरक्षण दे दिया जाएगा तो फिर आरक्षण का कोई महत्व नहीं रहेगा और देश में आरक्षण की जो व्यवस्था है उसे खत्म करने के लिए ही केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है, इसे किस तरीके से अब आगे फिर देखा जाए? देखिए, अगर बात करें केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि उसकी मंशा जितने भी समाज के कमजोर और गरीब तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की है और उनको आगे लाने की कोशिश है। इनमें से अगर बात करें तभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटे में जो गरीब स्वर्ण है, यानी कि अगर बात करें जिनकी आर्थिक आय 10 लाख से कम है, जो गरीब है उनको ये आरक्षण दिया जाएगा, और इसी फैसले के आधार पर केंद्र सरकार ने ये निर्णय लागू करवाया था और इसी के आधार पर उससे कई सारे जो गरीब स्वर्ण है उनको भी मौका दिया था कि वो आगे आए और आगे आकर के जो सरकारी नौकरियां, जो तमाम सारे सरकारी कार्य है
उसमें अपनी जगह बना सके। तो केंद्र सरकार ने भी अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट में इसी तरीके से दी थी कि उसकी कोशिश है कि समाज के हर तबके को लाभ मिले और हर तबका जो गरीब तबका जो निचले पायदान पे है जो आर्थिक आधार पे ऊपर नहीं उठ पा रहा है उसको ऊपर लाने के लिए केंद्र सरकार मदद करे और उसी के आधार पर ये ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण दिया जा रहा है और उसे पूरी तरीके से सही माना जाए। चूंकि संविधान में जिस तरीके से तमाम सारे जो गरीब है वंचित है शोषित है इन तबकों को ऊपर लाने के लिए कहा गया है तो केंद्र सरकार भी वही कार्य कर रही है और सुप्रीम कोर्ट उन दलीलों से कहीं ना कहीं सहमत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अब केंद्र सरकार को फैसले पर मुहर लगा दी है। अब केंद्र सरकार का जो 10% आरक्षण देने का जो प्रावधान लागू किया था वो बदस्तूर अब उसी तरीके से लागू रहेगा। ठीक है, और एक और चीज अविनाश, जब इस तर्क का समर्थन किया जाता है कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है वो नहीं होना चाहिए तो इसे एक भाजपा सरकार के फेलियर के तौर पर दिखाया जाता है कि क्योंकि अमूमन जो आर्थिक तौर पर क्षेत्र को या फिर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी योजनाएं काम करती है तो ये भी कहा जा रहा था कि ये योजनाओं का फेलियर है कि आपको जो गरीब तबका है उसे उठाने के लिए आरक्षण देना पड़ रहा है। देखिए अगर बात करें जिस तरीके से जो ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण लागू है या एससी एसटी कैटेगरी में आरक्षण लागू है वहाँ पे सबके लिए समान रूप से लागू है, वहाँ पे किसी को आर्थिक आधार पर नहीं मिलता बल्कि वहाँ पे जातीय आधार पे आरक्षण मिलता है। जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आधार पे जो दिया जा रहा है ये आर्थिक आधार पे दिया जा रहा है, यानी कि जिनकी आय कम है जो गरीब तबके के लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन तमाम सारे समाज के लोगों के साथ कम्पीट नहीं कर पाते हैं पैसा न होने की वजह से या फिर मौका न मिल पाने की वजह से उनको लोगों को इस तरीके की आरक्षण दिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने ये भी एक तर्क रखा था कि ओबीसी का जो आरक्षण लागू है एससी का जो आरक्षण लागू है वो उसी तरीके से बदस्तूर लागू रहेगा, लेकिन जो स्वर्ण समाज के लोग हैं जिनके पास आर्थिक रूप से कमजोरी है यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है जिनके पास धन का अभाव है पैसे नहीं है और अपने बच्चों को उस तरीके से आगे कम्पीट नहीं करा सकते तो उनके लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और उसी के तहत केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था इस आरक्षण का। और उसके बाद अगर अब बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से केंद्र सरकार की तमाम सारी दलीलों से सहमति जताई है, 4 जजों ने अपने प्रस्ताव पे कहा है कि ये पूरी तरीके से वैध है और सरकार का फैसला पूरी तरीके से सही है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने ये याचिका को दायर किया था उन्होंने भी अपनी दलील रखी तमाम तरीके से लेकिन कोर्ट उनसे संतुष्ट नहीं हुआ और आखिरकार केंद्र सरकार के निर्णय पर अपनी सहमति जता दी है। और अविनाश, इस फैसले की जब बात करें 2019 में फैसला लिया गया था तो अब इसकी आलोचना उन नेताओं को और खासतौर पर उन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें लेकर की गई थी कि जो लोग दलित या फिर जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी राजनीति करते हैं उनसे उम्मीद की गई थी कि वे इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और ऐसे में मायावती की तरफ सब देख रहे थे लेकिन मायावती ने भी इसका समर्थन किया था कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण सरकार दे रही है केंद्र सरकार वो सही है। क्या अब ये जो फैसला आया है इसके बाद उन लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी आर्थिक आधार पर दिए आरक्षण के? देखिए अगर बात करें तो केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हालांकि अभी अभी आया तो अभी नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन कुछ ही देर के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया निकलना शुरू होगी। लेकिन जब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था तो बहुत सारे नेताओं ने इस पर अपनी सहमति जताई थी, कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए जिन्होंने असहमति जताई थी अन्यथा सभी नेताओं ने इस पर अपनी सहमति जताई थी, कुछ सामाजिक संगठन के लोग थे जिन्होंने कहा था कि आरक्षण पूरी तरीके से गलत है और वही सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ही वहां पर जाकर के तमाम तरीके से अपनी बातें रखी। अगर देखें तो ये जो पूरा मामला हुआ केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई नेता या पार्टी नहीं गया है बल्कि अगर बात करें तो सामाजिक संगठन के कुछ लोग गए हैं और इसके साथ साथ वहां पर जाकर अपनी तकरीर रखे तो नेता और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इसका विरोध उस तरीके से नहीं किया है उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए था जिस तरीके से खुलेआम तौर पर करते हैं उन लोग लेकिन इस तरीके से विरोध पॉलिटिकल पार्टी के लोग या नेताओं ने नहीं किया था। बिल्कुल अविनाश, इसे भी इस तौर पर देखा जा रहा था कि किसी भी तबके को वर्ग को नाराज कोई पार्टी नहीं करना चाहती है इस वजह से खुलकर कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है लेकिन अब जो क्योंकि ये फैसला आ गया है हरी झंडी मिल गई है यहां 10% जो आर्थिक तौर पर जो आरक्षण दिया गया था इसका प्रभाव किस तरह से देखा जाए? हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें भाजपा को बड़ी चुनौती भी मिल रही है, भाजपा बड़ी कैंडिडेट है उस क्षेत्र में उस चुनावी क्षेत्र में तो ऐसे में कैसे इसका प्रभाव देखा जाएगा? देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से ये फैसला 2019 में केंद्र सरकार ने लागू किया था 103वां संविधान संशोधन करके तो ये फैसला लगातार लागू था, सुप्रीम कोर्ट भले ही यहाँ पे इस पे अमले में सुनवाई करा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर रोक नहीं लगाई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय आता कि इस पूरे मामले को अगर अवैध करार देती या फिर अगर रद्द करती इस फैसले को तब इस पर असर पड़ता क्योंकि ये फैसला पहले से बदस्तूर लागू है तो वो लागू रहेगा। जहां तक बात रही चुनाव की तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में इस बात का जिक्र भी नहीं कर रही 10% आरक्षण का क्योंकि ये पुराना मसला हो चुका और ये उसी तरीके से बदस्तूर लागू है
हालांकि केंद्र सरकार अपनी जब तमाम सारी योजनाओं को गिनाती है तो उसमें एक बात इसको भी गिनाती है, लेकिन जिस तरीके से केवल पर्टिकुलर इसी बात को लेकर के चाहे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो, चाहे गुजरात में विधानसभा चुनाव हो, या फिर चाहे आने वाले दिनों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी उपचुनाव है, तो इन बातों को लेकर केंद्र सरकार नहीं जाती। केंद्र सरकार अपने तमाम तरह जो समग्र विकास है जो 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं, तो उसी विकास कार्यों को लेकर के केंद्र सरकार हमेशा अपनी बात करती है, चाहे राज्य सरकार हो जो अपना कार्य कराए रहती है उसी कार्यों को लेकर के बात करती है। हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब जीत हुई है, केंद्र सरकार की जीत हुई है, तो जाहिर तौर से बात है कि इसमें बीजेपी के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आएगी और आने वाले जो रैलियां हैं, खासतौर से अगर बात की हिमाचल प्रदेश में चाहे रैलियां हो चाहे गुजरात में रैलियां, वहां पर जरूर कोई नेता इस बात का जिक्र कर सकता है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तमाम सारे लोग पहुंचे, लेकिन केंद्र सरकार का जो निर्णय था वो पूरी तरीके से संविधान सम्मत था, संविधान के अनुसार था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस निर्णय को सही माना है और ये फैसला लगातार लागू रहा है, कभी भी बीच में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रोक नहीं लगाई थी। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से बड़ी जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एकमात्र वो जस्टिस रहे हैं जिन्होंने इस आरक्षण के खिलाफ वोट दिया था, जिनका पक्ष जो था वो उसके खिलाफ था। तो ये बताएं कि अविनाश क्या उनकी तरफ से कहा गया था जब इसके खिलाफ उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए एस रविंद्र भट्ट जस्टिस जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 103वां संविधान संशोधन भेदभाव पूर्ण है। ये अगर बात की तो उन्होंने ये भी इसके साथ साथ कहा कि 10% रिजर्वेशन में से एससी एसटी ओबीसी को अलग करना भेदभाव पूर्ण है, क्योंकि जो ये 10% आरक्षण दिया गया है इसमें अगर बात करें तो केवल और केवल ये स्वर्ण जातियों के लिए ये आरक्षण है, यानी कि अगर बात करें तो ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को इससे बाहर रखा गया, स्वर्ण जाति के जो गरीब कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ये आरक्षण है। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरीके से पहले से 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू है, 15% आरक्षण अगर बात करें तो एससी के लिए लागू है, 7.5% आरक्षण अगर बात करें तो एसटी समुदाय के लिए पहले से ही ये लागू है, तो उनमें अगर बात करें तो उनमें आर्थिक आधार पे उनको आरक्षण नहीं मिलता, बल्कि उनको जाति आधार पे आरक्षण मिलता है, चाहे ओबीसी जातियां हो, चाहे अगर बात करें एससी जातियां हो, चाहे एसटी समुदाय के लोग हो, इनको जातियों के आधार पे आरक्षण मिलता है, लेकिन ये जो 10% आरक्षण है ये आर्थिक तौर पे पूरी तरीके से आरक्षण है, यानी कि अगर जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो गरीब कैटेगरी के लोग हैं, उन्हीं के लिए केवल आरक्षण है, सभी स्वर्ण जातियों के लिए नहीं है। लेकिन जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया इसमें इस तरीके से रखी है कि इसमें से एससी एसटी और ओबीसी को अलग करना ये भेदभावपूर्ण है। हालांकि ये उनका अपना जो है व्यक्तिगत निर्णय है, अपना व्यक्तिगत जजमेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी चार जज हैं उन्होंने जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के फैसले को सही पाया कि आर्थिक आधार पर जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बनाया गया और उनमें 10% आरक्षण दिया गया। चलिए बिल्कुल अविनाश, ये बड़ा फैसला है और 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिली है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।